हेलो एंड नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में पुनः आप लोगों को स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शिवाजी यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम 25 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक होने वाले हैं, तो उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन देने वाले हैं, एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स है, वो मुझसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से, चाहे जिस भी सोशल मीडिया से आप लोग मुझे जुड़े हुए हो मुझसे, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हो। तो आप लोगों का जो क्वेश्चंस मेरे पास तक आ रहा है, उन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो है हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों तक इसका जवाब देने के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ओवरऑल आइडिया लगेगा एग्जामिनेशन के समय अपने ब्रेन को तैयार करने के लिए, एग्जामिनेशन के समय जो होने वाली समस्या होती है, चुनौती होते हैं, उन सभी चुनौतियों से, उन सभी समस्याओं से आपको लड़ने के लिए एक मजबूत एक प्रोसेस पाथ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप डिटेल डिस्कस करके हम आप लोगों को बताऊंगा, और साथ में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है वो भी मैं आप लोगों को साझा करूंगा, साथ में रूम स्टडी मटेरियल्स, ट्रेवल्स, स्टडी फूड, इटीसी रिलेटेड समस्या भी हम आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ समझाऊंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है एग्जाम में माहौल कैसा रहता है। तो देखिए, बहुत ही वाइटल क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट के माध्यम से। एग्जाम का माहौल जो है बहुत ही शांत शोभा का होता है, वहां पे कोई चीटिंग नहीं चलती है, कोई भी धांधली नहीं चलती है, प्रॉपर चेक करके आपको अंदर भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर मेटालिक चेकिंग होता है मेटालिक स्कैनर के द्वारा, नहीं, सिंपली छूछा करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, देख तक यानी कि बॉडी को, बॉडी पार्ट्स को, अपने पैर, जंघा, हाथों और बाजुओं, कमर, इन सबको छू करके, जो टीचर नॉर्मली एग्जाम होता है ग्रेजुएशन में, इन सबको छू करके चेक करके आपको अंदर भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा पैंट शर्ट खोल के उतार के चेक करवा जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो नॉर्मल चेकिंग होता है, डजंट फील वेरी डिप्रेस्ड, यानी कभी कभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल चेकिंग होता है, जैसे वही फिजिकली टच करके बस। बुक लेकर जाने देते हैं कि नहीं, बुक नहीं लेकर के जाने देते हैं, साफ साफ इसका साफ आंसर है नो, नहीं। ठीक है, नहीं लेके जाने देते हैं, फिर भी सारथी को दिमाग वाले कुछ तो हरकत कर ही लेते हैं, छोटा मोटा चिट बना के ले ही जाते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस है कि नहीं ले जाने देते हैं, और मैंने कभी नहीं ले गया हूं एग्जामिनेशन में, बीएड के सर में बात कर रहा हूं, थोड़ा बहुत पहले बचपन में थोड़ा मोड़ा किया था मैं भी। बट एग्जाम में कैसे लिखें, पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वाइज? तो पॉइंट वाइज साफ साफ वाइज वाइटल इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, पॉइंट वाइज आप लिखने की कोशिश कीजिए, पॉइंट वाइज में ज्यादा मार्क्सिंग मिलता है। कोशिश कीजिएगा डायग्राम बनाने की, ज्यादा से ज्यादा पेज भरने की, हो सके आप भर दीजिए पूरा जितना कॉपी दिया हो, पूरा शुरू से लेकर के हाथ को पूरा दौड़ा दौड़ा के लिखिए, पूरा फास्ट, सुपर फास्ट एक्सप्रेस जैसे, है ना, एरोप्लेन की तरह दौड़ाइए पूरा हाथ को अच्छे से। ठीक है, पैराग्राफ अवॉइड कीजिए जितना ज्यादा हो सके, थोड़ा बहुत पैराग्राफ लिख सकते हो बट ज्यादा मत लिखना। ठीक है, पॉइंट वाइज तो जितना ज्यादा लिख सकते हो आंसर उतना ज्यादा अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा आपके लिए। जैसे अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5-6 पॉइंट लिख दिया, 10 मार्क्स का है 10-12 पॉइंट लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है, और एग्जाम में जो क्वेश्चंस है उसका इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़े हैं हर एग्जाम में, कोशिश मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि एग्जाम में कभी कभी इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाते हैं, तो प्लीज सीरियस होना है आपको, एग्जामिनेशन में इंस्ट्रक्शन देखना है, 14 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस है उसमें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अथवा करके दिया रहता है, तो प्लीज इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करें। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा हाथ में, तो उसका इंस्ट्रक्शन जरूर देखें। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एग्जाम का माहौल ज्यादा टाइट नहीं होता है, गार्ड तो रहते हैं हर एक रूम में, 2, एक लेडीज और एक मेल और एक फीमेल गार्ड। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और खास करके टॉक्सिक टॉक से बचें। हो सकता है वहां पे आपको कुछ वायरल बातें पता चले जो कि आपको शॉक कर सकता है, जैसे कि किसी का फीस रिलेटेड क्वेश्चन, हो सकता है कोई बच्चा वहां पे स्कॉलर बेसिस पे पढ़ रहा हो, किसी का फीस 40,000, 50,000, 60,000, 80,000, 90,000 पे एडमिशन हुआ हो, डिफरेंट डिफरेंट फीस पे, तो इस सभी बातों से अवॉइड करें, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, ये और ये सिर्फ आपके हाथ में है, तो इन सभी बातों पे फोकस ना करें, क्योंकि इन सभी बातों से आपका माइंड डाइवर्ट होगा, बार बार आपका उस एडमिशन कराने वाले पे, काउंसलर पे गलत थॉट आएगा, तो बिल्कुल अवॉइड करें इन सब बातों को, कोई लेना देना नहीं है मित्रों। जो भी आपका एडमिशन जैसे भी कराया, बेस्ट तरीके से कराया है, कभी भी कोई किसी को कोसना बंद करो, आप अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में लो, आपके हाथ में है अच्छा स्कोर करना, बस। आप अच्छा सुंदर राइटिंग में लिखोगे तो डेफिनेटली अच्छा मार्क्स मिलेगा, ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, एग्जामिनेशन
एग्जाम जो होता है ना वो सिर्फ स्टूडेंट के हाथ में होता है, ना एडमिशन कराने वाले के हाथ में होता है, ना प्रोफेसर के हाथ में होता है, ना चेकिंग करने वाले के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं होता है आपका स्कोर अच्छा इंप्रूव करना, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो अच्छा स्कोर करना है, 99% स्कोर करना है, 80-85% से अबव मार्क्स लाना है, तो सुंदर सुंदर राइटिंग लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, मैक्सिमम मैक्सिमम पेज भरिए, टारगेट लिखिए, 25 से ऊपर पेज तो भरना ही भरना है, 25-30-35 जितना पूरा दो आप, उससे कम नहीं करना है। और लास्ट वार्निंग और वाइटल बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। जितना इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आपको अगर 11 क्वेश्चन का आंसर देना है तो 11 लिखना है, चाहे आपको गलत लिखो सही लिखो डजंट मैटर, लेकिन लिखो, माइंड को पहले से ही तैयार करके ये देखे कि जो हमें चाहे कसम खा लो या जो भी करना करो, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन छूटा तो समझो मार के काट के रख दूंगा यही, ठीक है। सॉरी, मेरा अपना एक्सपीरियंस मैंने बता दिया, अब मैं एक छोटी सी रियलिटी कहानी बताता हूं। एग्जाम में मुझे एग्जाम हॉल में गया तो एक लड़की मिली, मुझसे काफी हेल्प ली, और वो सिंगल हेल्प मुझे नहीं किया। तो इसलिए लड़कों प्लीज सीरियस रहो, वहां पे खूबसूरती देख करके और काफी हरे भरे माहौल देख करके आप पिघल मत जाना, और लड़कियों को मदद करने के चक्कर में काफी फ्रेंड बन जाएगी ये वो फलना चिलना के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप उस 10 दिन बचा लो अपने आप को और अच्छे से एग्जाम देकर के आओ, फिर दुनिया दारी जितना मर्जी उतना करना, प्रेम इश्क मोहब्बत जो करना होगा करते रहना, बट उस 10 दिन में इन सब बातों से अवॉइड करना। दोस्त यार कहेंगे चलो घूम के आते हैं कहीं सुट्टा मार के बीड़ी पी करके या सिगरेट पी करके, नहीं जाना है बिल्कुल। उतना टाइम अगर आप लिख लिख करके घर पे प्रैक्टिस करना है ताकि आपको अच्छा स्कोर मिले, और सबसे वाइटल बात, लिख लिख करके जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्कोर बनेगा आपको। घर पे आप लिख लिख के क्वेश्चन को याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हर एक्सरसाइज हर चैप्टर के आप 5 क्वेश्चंस ऐसे वाइटल क्वेश्चन जो अथवा कर करके बार बार आया हो, जो बार बार रिपीट हो रहा हो, जो जो वर्ड, उन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, पॉइंट वाइज याद रखिए। रूम स्टडी मटेरियल ट्रेवल्स फूड, इन सभी समस्या होती है बच्चों को, तो ये सब जितना ज्यादा आप पहले से आप देख लो कोई दिक्कत नहीं होगा। शहर में जैसे आप अपने शहर में आप जिस भी सिटी में जिस भी आपके जिला है उसमें जैसा ट्रेवलिंग व्यवस्था होती है, शेयरिंग रिक्शा ऑटो रिक्शा पर्सनल रिक्शा सारा चीज मिलते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर तक आपको ले जाएंगे और ले आएंगे। बात रही रूम की, तो रूम अगर आप जितना जल्दी बुक करोगे उतना ज्यादा सस्ता मिलेगा, जितना लेट बुक करोगे उतना ज्यादा महंगा मिलेगा, साफ साफ वार्निंग दे रहा हूं आपको, जहां भी मिल रहा है सस्ता सस्ता ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे थ्रू ले लो चाहे जिसके भी थ्रू ले लो, क्योंकि लास्ट के टाइम में वहां पे करोड़ों सैकड़ों लाखों विद्यार्थी जाएंगे, एग्जाम भर जाएगा पूरा सिटी खचाखच, आपको रूम मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। जो रूम अभी 300-400 रुपए में मिल रहा है वही रूम आपको 3,000-4,000 तक में भी मिलना मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए प्लीज आपसे सख्त वार्निंग है कि अगर मैं अपनी खुद बता रहा हूं, मैं अपने स्टूडेंट के लिए एक रूम एक्वायर किया था, साथ में 2 रूम एक्स्ट्रा एक्वायर किया था, वो तीनों रूम फुल हो चुका है, सारे रूम बुक हो चुका है, अब मैंने और 7 रूम एक्वायर कर लिया हूं। अब अगर आप लोगों को रूम चाहिए तो ओनली 250 रुपीज पर डे के हिसाब से पर डे के हिसाब से आप बुक कर सकते हो ये रूम। शेयरिंग रूम है, एक रूम में आपको बेड दे दिया जाएगा, ये ध्यान रखो गर्ल्स के लिए सेपरेट है, ध्यान रखें गर्ल्स के लिए शेयरिंग नहीं है, गर्ल्स अगर कोई है गर्ल्स लोग आप लोगों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप लोग बुक करना चाहते हो तो सिंपल लड़का हो या लड़की कोई मैटर नहीं करता है, आप पेमेंट कीजिए, यहाँ पे मैं क्यू आर कोड लगा देता हूँ क्यू आर कोड पे, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, रूम आपका बुक हो जाएगा। आप एग्जामिनेशन देने के लिए आप जैसे ही ट्रेन से उतरेंगे ग्वालियर सिटी में आपको लोकेशन मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, उस एड्रेस पे पहुंचे आपको रूम दे दिया जाएगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स, कोई टॉकिंग नहीं, कोई चैटिंग फैटिंग नहीं, डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट कीजिए रूम बुक करना है तो, नहीं तो यही रूम जो है आपको आगे एग्जाम टाइम में आओगे आप भटकते रहोगे शहर में, एक दिन पूरा भटकने में लग जाएगा, पता नहीं वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर पता चला कि रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ रहा है। तो प्लीज जितना जल्दी हो सके ये कर लो, क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजरा हूं तो मुझे पता है ऐसी ऐसी समस्या काफी आता है बच्चों के बीच में। मैं अपनी बता रहा हूँ, एक लड़की थी वो मेरे डिस्ट्रिक्ट की, उसको ना मैं जहां पे रहता था 200 रुपया दे करके, वही बगल में वही लड़की रहती थी 2,000 रुपया दे करके पर डे के हिसाब से, तो सोच लो कितना महंगा में वो रहती थी, क्योंकि वो लास्ट में बुक किया था, उसको पता ही नहीं था कि क्या होता है माहौल उस समय। तो इसलिए पहले बुक कर लो, ज्यादा बेटर है, प्रॉपर सेफ रहेगा, प्रॉपर सुरक्षित रहेगा, हो सकता है मैं भी आप लोगों को वहां पे आऊं किसी सैटरडे संडे को आप लोगों को देखने के लिए कि आप लोग सही ढंग से रह रहे हो, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो प्लीज अगर आप मेरे थ्रू बुक करोगे तो प्रॉपर प्रोटेक्शन, प्रॉपर सेफ सुरक्षित जगह पे हम रखेंगे आप लोगों को, कोई तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे, डायरेक्ट पेमेंट कीजिए, रूम बुक कीजिए।
ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस बता दिया। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप लोग एग्जाम में प्रॉपर दिमाग को तैयार करके ले जाइए, घर पे जितना ज्यादा ज्यादा लिखिए, फ्रेंड सर्किल ज्यादा बनाने की कोशिश मत करना, चाहे लड़का हो लड़की, कोई भी अगर आपसे मिलना चाहे, नया फ्रेंड बनना चाहे तो बिल्कुल अवॉइड करें, इग्नोर करें, ठीक है। डायरेक्ट अपना एग्जाम को फोकस करना है, 10 दिन एग्जाम देने के बाद आपको जो मर्जी वो करना है, पूरा रेड फोर्ट, इंडिया गेट, जो भी घूमना है, पूरा दिल्ली, पूरा भारत घूम लो, कोई मत चीज नहीं, कोई नहीं पूछने वाला आपको उसके बाद, फिर घूमते रहो पूरा दुनिया, ठीक है। और लास्ट में एग्जाम जब खत्म हो जाए तो गुप्तेश्वर पहाड़ घूमने की जगह है, वहां जा सकते हो, है ना, ग्वालियर किला वहां जा सकते हो घूमने के लिए, दो जगह मैंने बताया, वैसे मैं अवॉइड करता हूँ इतना ज्यादा घूमना, लेकिन घूमने के लिए लास्ट की बात बता रहा हूँ, पहले ये सब चीजें देख लो, ठीक है। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का दिन मंगलमय और शुभ रहे, अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय और शुभ रहे। आप रूम के लिए इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं।